आज यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि पुष्कर सिंह धामी समय रहते हुए कल तक उसे सभी पक्ष और सत्ता के विधायकों तक पहुंचवा देंगे और विपक्षी दलों को भी उसको पहुंचवाएंगे, पत्रकार और बुद्धिजीवी तक उसको पहुंचाएंगे, ताकि प्रदेश में इस महत्वपूर्ण बिल पर सार्थक बहस हो सके। वैसे ये यूसीसी जो है केंद्र का मसौदा है, राज्य से इसका लेना देना नहीं। अगर उत्तराखंड में लागू हुआ और बगल में हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ तो ऐसे मसौदे का कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ हमारी कुछ चिंताएं हैं। हम जानना चाहते थे इस ड्राफ्ट में एससी, एसटी, ओबीसी, हमारे माइनॉरिटी, हमारे जो थारू बुक्सा जनजाति के लोग हैं, हमारे जो जौनसार के लोग हैं, भुटिया जनजाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके अधिकारों में इसका कितना अतिक्रमण हो रहा है। अगर ये राज्य हित में, राष्ट्र हित में हुआ और किसी के अधिकारों का हनन इसमें नहीं है तो निश्चित ही कांग्रेस समर्थन करेगी राज्य हित में, राष्ट्र हित में। और अगर संविधान की धाराओं में दिए गए जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, उनका अतिक्रमण इसमें होता है तो निश्चित ही इसमें हम विरोध भी करेंगे। 25 से 28 तक की जो हमारी धाराएं हैं संविधान की, वो कई किस्म के अधिकार हमको प्रदत्त करती है। धर्म की, स्वतंत्रता की हमको अधिकार देती है। दूसरा 29 और 30 में संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार हमको प्रदान किए गए हैं। वहीं धारा आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 24 तक अनेक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनेकों अधिकार हमको प्रदत्त हैं। उन अधिकारों में कितना फर्क पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम इस पर बहस भी करेंगे। वैसे ये केवल और केवल बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चेहरा बचाने की कोशिश मात्र है। 10 सालों से यूसीसी कहते हुए केंद्र में इसको लागू नहीं कर सके और अब उत्तराखंड में इसको एक छोटे से राज्य में लागू करने का एक कुत्सित प्रयास भर ये है। और मेरा बीजेपी और आरएसएस के लोगों से सख्त शिकायत इस बात को लेकर है, बीजेपी की सरकार को लेकर एक शिकायत है कि उत्तराखंड को गिनी पिग ना समझें। जैसे दवा बनाने वाली कंपनियां गिनी पिग्स में अपने टेस्ट करती हैं, मुझे लगता है कि हर मसौदे का टेस्ट जो है उत्तराखंड में करने का ठेका बीजेपी की सरकार और संगठन ने ले लिया है और निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है।